सो लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ ये तो खैर आपके लिए देखो क्या है, पब्लिक को चूना लगाना पड़ता है, ठीक है, ये चूना लगाना बहुत जरूरी, क्योंकि चूना नहीं लगाओगे तो आदमी सोचेगा यार ये तो बंदा मेरे बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहा है. सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट द पब्लिक. नाउ द पॉइंट इज दैट मैं अभी कल जो है कि कल मैं ऐसे शाम में गया तो मेरी एक छोटी सी सिस्टर है, वो मालूम है पुर्जी होती ना पुर्जी, तो वो पुर्जी में कुछ खुला के लेके आई तो मैं उसे छीन लिया. कहीं अरे रोने लगी वो, मैंने कहा रुक जाओ कल मुझे काम है, कल मैं एक सेशन करने जा रहा हूँ. तो जो पुर्जी खुलाई थी, पुर्जी में जो है कि इस तरह की कुछ चीज़ें निकली थी, आप यू कैन सी दैट, यू नो ये छोटा सा ताला, ये चप्पल, अरे ये हथौड़ा, ये घुन घुना नचौना क्या है, और ये दिल मोहब्बत प्यार इंतकाम. अरे तो अब ये छोटी छोटी जो चीज़ें निकली मैंने उससे ले लिया. मैंने कहा इस पर क्या बनाऊँ, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, अगर ये दुकान पे बिके तो मेरी सिस्टर नहीं खरीदेगी उतने एक्साइटमेंट के साथ, अगर यही इसी के जगह चॉकलेट रहे टॉफ़ी रहे तो उतना एक्साइटमेंट में नहीं खरीदेगी. पुर्जी देखा जाए, हम बड़े लोग क्या छोटे लोग को समझाते हैं कि क्यों पुर्जी खरीदना, क्यों टाइम वेस्ट करना, क्यों पैसा बर्बाद करना, इससे क्या होगा. लेकिन इसमें एक किक है, एक मज़ा है, एक थ्रिल है, एक अनोखापन है. क्या है इसके अंदर, एक चाहत ही होती है कि मैं अगर पुर्जी लूंगी या लूंगा तो इसके अंदर क्या निकलने वाला है, पीपल डोंट नो, उसके बारे में लोग जानते नहीं हैं. अब उसका एक्साइटमेंट होता है, उसी तरह से ये चीज़ होनी चाहिए जब आप किसी भी महफिल में जाओ तो लोगों को ये इंतज़ार होना चाहिए इसके अंदर से क्या निकल आएगा. यार ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, लोगों के आपके लिए एक्साइटमेंट का होना बहुत ज़रूरी है कि अरे यार अब क्या आएगा, अब दिल आएगा, ताला आएगा, कुल्हाड़ी आएगी या हथौड़ा आएगा. ऑलराइट, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ यू मे हैव दिस थिंग, द पॉइंट इज, अब आपको समझना क्या ज़रूरी है. APJ अब्दुल कलाम में SRM यूनिवर्सिटी में गए, SRM एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, APJ अब्दुल कलाम वहाँ गए, तो वहाँ पे सबसे पहले उनसे पूछा गया कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट नॉलेज, आप नॉलेज के बारे में क्या सोचते हैं, ज्ञान के बारे में क्या सोचते हैं. तो उन्होंने कहा कि ज्ञान, ज्ञान जो बनाता है आपको महान, ज्ञान से ही मिलता है आपका सम्मान, और ज्ञान कभी नहीं करता आपका अपमान, और ज्ञान से ही करता है ये जहान आपको सलाम. तो वही होता है ज्ञान. द पॉइंट इज दैट ही नाउ व्हाट अबाउट नॉलेज, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, व्हाट इज ज्ञान. ज्ञान यहाँ पे सबसे पहले आप नॉलेज, नॉलेज की डिफिनेशन क्या है, नॉलेज का मतलब होता है कि क्रिएटिविटी. अब हम यहाँ पे क्लास में गए बैठे हैं, इतिहास की किताब खोल लो और बाबर शाहजहां अकबर मुगल यू नो बहादुर शाह जफर और औरंगजेब के बाद पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, कहाँ से बढ़ेंगे. कहते हैं कि टू नो ऑलवेज अबाउट अदर्स, दूसरे के बारे में जानते जानते हम खुद के बारे में जानना भूल जाते हैं. टू नो ऑलवेज अबाउट अदर्स वी गेट अननोन टू आवरसेल्फ्स, हम अपने आप से अज्ञात हो जाते हैं, दूसरे की जानकारी लेते लेते. कभी भी अपने आप को जानना है तो गो डीप इनसाइड ऑफ योर थॉट, गो डीप ऑफ योर सेल्फ, अपने बारे में अंदर जाओ. या छोटू अंदर गए हो कभी अपने आप में, सोचो अभी तुम क्या सोचोगे, एक बार आएगा जवाना तब तुम सोचोगे. राइट, अभी टाइम आएगा तुम्हारा, अभी टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा. द पॉइंट इज दैट कि उन्होंने बोला कि नॉलेज इज इक्वल टू क्रिएटिविटी प्लस करेज. APJ अब्दुल कलाम का शब्द है, मेरा कोई शब्द नहीं इसमें. नॉलेज इज इक्वल टू क्रिएटिविटी प्लस करेज. एक तो क्रिएटिविटी होनी चाहिए, एक तो आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए. अब मैं आपका एक थोड़ा सा मैं मार्कर लेना चाहूँगा सर, आई नीड अ मार्कर. अब ये जो छोटी छोटी बातें आपको समझना ज़रूरी है, इसमें छोटे बड़े सब डिग्री कॉलेज वाले इंटर कॉलेज वाले सब लोग बैठो, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज द पॉइंट इज दैट कि लोगों को अपना नाम बताओगे तो लोग नहीं जानेंगे, काम करके दिखा दोगे तो लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे. सो दिस इज द पॉइंट ऑलवेज, द वर्क इज ब्लेस्ड, द वर्क इज रेस्पेक्टेड एंड द वर्क इज ऑनर्ड एंड द वर्क इज ऑलवेज सैल्यूटेड. द पॉइंट इज, अब देखो यहाँ पे मान लो आपका ये नॉलेज है, नॉलेज से सबसे पहले होता है डेटा. जैसे आप जानते हो ना कि मोबाइल में एक डेटा होता है, कंप्यूटर में एक डेटा होता है, तो एक डेटा होता है. अभी जैसे क्या है कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट, हम कोई बात करें, जैसे मान लो हमें ट्रक चलाना है तो ट्रक का क्या एक डेटा है, एक ट्रक की डिटेल्स है. डिटेल्स के बाद हम ट्रक के बारे में नॉलेज लेंगे, ठीक है, ट्रक चलाते कैसे हैं. ये ट्रक चलाने के बाद नॉलेज से पहले हमारे पास एक और चीज़ आती है, इंफॉर्मेशन, उसके बारे में सूचना. इसके बाद आता है नॉलेज, नॉलेज के बाद आती है अंडरस्टैंडिंग, हम उसके बारे में समझते हैं, और अंडरस्टैंडिंग के बाद ही आता है आपका मेन विजडम. लेकिन
डियर फ्रेंड्स, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, हम डेटा तो जान लेते हैं, इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, नॉलेज कभी कभी लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग और विजडम हमारा कभी भी नहीं आता. यही हमारे अंदर कमी होती है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी आस्क मी माई डिग्री, आई डोंट वॉन्ट टेल दैट व्हाट्स माई डिग्री. अगर मेरी डिग्री कोई पूछता है, ठीक है, आई एम ए ग्रेजुएट पर्सन, ऑलराइट, आई एम ए ग्रेजुएट, आई एम ए बिकॉम ऑनर्स, दैट्स ऑल. बट इफ आई टॉक अबाउट माई अंडरस्टैंडिंग, माई विजडम, दैट इज एट हाई लेवल. तो मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरी विजडम हाई लेवल पे होनी चाहिए. अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ, और विजडम का मतलब होता है कि तर्क. आपका तर्क क्या है, आपकी सोच क्या है, आपकी थॉट्स क्या है, आपकी मेंटेलिटी क्या है, आपकी जहन क्या है, आपकी मानसिकता क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और बाकी तो दुनिया सीख ही रही है, दुनिया तो क्लास कर ही रही है, सब लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ ही रहे हैं. बिकॉज द पॉइंट इज दैट, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा, एक होता है कॉग्निटिव स्किल. ये कॉग्निटिव स्किल आप जब जाएंगे दिल्ली, मुंबई, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में बताया जाता है. व्हाट इज कॉग्निटिव स्किल? आपका टेक्निकल स्किल होता है, डिजिटल स्किल होता है. कंप्यूटर आप सीख रहे हैं, कंप्यूटर स्किल है. आपकी अलग अलग तरीके की स्किल है, आपकी स्किल है, आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल, लीडरशिप स्किल, इंट्रैक्शन स्किल, टीचिंग स्किल, ट्रेनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, बहुत सारी स्किल सीख रहे हैं. लेकिन कॉग्निटिव स्किल आपके अंदर नहीं. कॉग्निटिव स्किल का मतलब होता है रीजनिंग स्किल, तर्क शक्ति, तर्क बुद्धि, बुद्धि कितनी ज़्यादा है. क्योंकि मेन काम है किसका? ये खोपड़ी का. और ये खोपड़ी नहीं तो फिर लोमड़ी. ऑलराइट, तो समझ में आई बात? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू यूज योर माइंड देन यू विल इफेक्ट टू द पीपल. गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कॉग्निटिव स्किल सीखना बहुत जरूरी है. कॉग्निटिव स्किल में क्या आता है? कॉग्निटिव स्किल में आपका जो है कि इन्हेंसमेंट आता है, आपके माइंड जो है इन्हेंस करता है, आपका जो है कि रीजनिंग पावर बढ़ता है, आपकी थॉट्स प्रोसेस बढ़ती है. ये सारी चीज़ें आपकी बढ़ती है कॉग्निटिव स्किल के द्वारा. And what is cognitive skill? Cognitive skill is about thinking. Is about thinking. Is about सोच. All right. Hi. Hello sir. याद रहेगा ये? Yes. याद रहेगा? मैंने आपसे हाथ मिलाया था और मैंने आपको हाय कहा था. Yes. रहेगा ना? Yes. ठीक है. अगर आप कहीं पे हेलो अब्दुल्ला पढ़ोगे तो हेलो अब्दुल्ला भूल जाओगे, लेकिन हेलो अब्दुल्ला से मिलोगे तो ये नहीं भूलोगे. इसको बोलते हैं लाइफ का एग्जाम. राइट? ओके. तो अब देखो बात आते हैं मेन मेरा आज का पॉइंट यही था कि मैं आपको 10-20 मिनट 30 मिनट नॉलेज के बारे में बताऊं और अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताऊं. बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट? बिकॉज व्हाट डज नॉलेज गिव अस? अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, चलो कोई भी बताओ, नॉलेज से हमारा क्या होता है? नॉलेज क्या देता है हमें? व्हाट डज नॉलेज गिव अस? एनीबडी वुड लाइक टू टेल मी व्हाट डज नॉलेज गिव अस? रिस्पेक्ट. ओके. एंड एनीथिंग? और कुछ कोई और बताना चाहेगा? सम्मान, रिस्पेक्ट, द सेम थिंग. यस यस टोट यस. एनी अदर थिंग? एनीबडी वुड लाइक टू टेल व्हाट डज नॉलेज गिव अस? यस, हमारे पास इल्म है, नॉलेज है. तो नॉलेज सर इज्जत भी देता है, शोहरत भी देता है और पैसा भी देता है. चलो बहुत अच्छी बात है. इज्जत शोहरत मेरे पास ये है, तुम्हारे पास क्या? मेरे पास माँ है. चलो ठीक है, वेरी नाइस. और कुछ? एंड एनीथिंग? और किसी का कुछ कहना है? नहीं. एक जगह कहीं लिखा हुआ था दीवार पे कि नॉलेज इज़ लाइक मनी. नॉलेज इज़ लाइक मनी. ज्ञान पैसे की तरह होता है. जितना आप कमाते हो उतना ही ज़्यादा और चाहत होती है. नॉलेज जितना ज़्यादा लेते हो उतना ही ज़्यादा और चाहत होती है. क्योंकि नॉलेज से शुरू होता है शक, और शक से ही आप और पढ़ते हो. जब और पढ़ते हो तो नॉलेज और बढ़ जाता है. और जिसके पास कोई नहीं, वो कहेगा है तेरी. अरे क्या बोले? है तेरी की. वाई टू